हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिप्सी शिवा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू मीरामार बीच। वी आर जस्ट राइट बाय द बीच। वी आर स्टेइंग इन डॉन पोला, सो इट्स वेरी नियर टू द बीच। एंड वी आर जस्ट कमिंग हियर टू यू नो इन द मॉर्निंग टू ड्रिंक कोकोनट वाटर, टेक मेडिसन्स, कीप क्लोथ फॉर लॉन्ड्री। एंड हियर देर आर नो शैक्स, सो यू जस्ट फाइंड द बीच अलोन एंड इट्स प्रीटी क्लीन लाइक। एंड देर आर लॉट ऑफ बर्ड्स हियर। अमो दोज आर बर्ड्स राइट? अमो ये नहीं है कोकोनट। सो गाइस, देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स हियर एंड दिस बीच इज ऑल एम्प्टी। लुक, डक्स एंड दिस स्मॉल बर्ड्स, there are no shacks available here, so it's like you know just plain beach I would say, like nothing here, but yeah, there are many birds here, you can see the ocean and it's all empty, everything is empty here, so it's nothing like North Goa or South Goa. In the middle Goa there are no beach shacks because I think that's a government policy. If you see me behind me, nothing. So that's the beauty of this beach, I think, that there is nothing here to you know interrupt your view. And that's Miramar Beach right here behind me. तो गाइस, हम आ गए हैं अभी पंजिम मार्केट। ये जो है ट्रेडिशनल मार्केट है यहाँ की, गोवा की पंजिम में, और सब कुछ यहाँ जो गोवन है वो मिलेगा, जितना भी गोवन फूड वगैरह है, गोवन फिशेस, गोवन एनी एवरीथिंग दैट यू वांट, तो सब मिलेगा। और मेरी बाइक इधर उधर भाग गई है देखने क्या और मिलेगा, बट तो पंजिम मार्केट, लेट मी शो यू अराउंड। तरफ से हम कंदोली में आए हैं। कंदोली में सबसे पास वाला बीच है नॉर्थ गोवा की साइड, बट यहाँ पर जो बीचेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, देर इज नथिंग टू सी बिकॉज द बीच इज ऑल एम्प्टी, जस्ट यू कैन सी द ओशन। एंड दैट टू मीरामार बीच वाज नॉट सो क्लीन, नॉट सो मेंटेन, एंड देर वाज नॉट सो मच सैंड। तो अभी हम सनसेट देखने कंदोली में जा रहे हैं बिकॉज पापा वॉन्ट्स टू सी सनसेट, सो लेट्स गो।
गाइस हम पहुंच गए कंदोलिम बीच, अब गाड़ी पार कर रहे हैं बस। अभी हम आ गए हैं कोंदोलिम बीच एंड आज सनसेट देखने के लिए, और आज सनसेट दिख रहा है फाइनली। तो पापा बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला यहाँ शेक्स भी हैं जो साउथ गोवा में मिसिंग थे, बिकॉज साउथ गोवा में आई थिंक शेक्स अलाउड नहीं है और कुछ रीज़न होगा, बट यहाँ इतने शेक्स हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर 100 rupees जस्ट टू लाई डाउन देयर, एंड अदर देन दैट पार्किंग के लिए दे आर आस्किंग 100 rupees मोर, एवरीथिंग इज़ डबल द रेट। So if you want one beer, it's like double the price of normal one. It's in South Goa I was just taking for 120 rupees, here is for 150 rupees complete, or even 180 rupees I think. So everything is almost double here. So I don't recommend you coming here. Go to Palolam Beach or somewhere else where it's not, you know, too many people. It's cheap, it's beautiful, it's more beautiful and everything. But look at the sunset. It's just giving that light right now, what I was telling you about. So that's about it, and I'll show you this side how it's looking. It looks very beautiful. One good thing I like about this beach, Kelangut, Baga and the other one, Kondolim, is that it looks like one carnival. There are so many people that it looks like carnival basically. It doesn't look like, you know, one beach going on here. So it looks like one carnival that you see here and there. So that's about it. जैसा मैं बोलता हूँ कंदोलिम बीच बोले तो इतने लोग जिनको आप बिलीव ही नहीं कर सकते, इतने लोग कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि कितने लोग हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दिस बीच।